किसे लगातार 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है? सही जवाब है शी जिनपिंग। किसे उत्तर प्रदेश हैपकिडो संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है मनीष सिंह। सत्ताईस अक्टूबर को कहां पर लिंग आधारित हिंसा पर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है जालंधर। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने रूस के किस बम के आरोपों को खारिज किया? सही जवाब है डर्टी बम। हाल ही में किसने नेपोली ओपन खिताब जीता? सही जवाब है लोरेंजो मुसेटी। भारत के पहले लेमा इग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहां किया गया? सही जवाब है मुंबई। निरस्त्रीकरण सप्ताह 2022 में कब से कब तक मनाया जा रहा है? 24 से 30 अक्टूबर। भारत ने अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए किस कंपनी पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही जवाब है गूगल। सातवां आयुर्वेद दिवस 2022 में कब मनाया गया है? सही जवाब है 23 अक्टूबर। U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? सही जवाब है स्वर्ण पदक। बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए चक्रवात सितांग का नाम किस देश ने रखा था? सही जवाब है थाईलैंड। नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल में परीक्षण किया गया था? सही जवाब है अग्नि प्राइम। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला पीएम बनी है? सही जवाब है इटली। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हुआ है? सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में कितनी में चीन की नवगठित केंद्रीय समिति में कितनी महिलाएं
सीट हासिल करने में सफल रही है। सही जवाब है 11।